हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त मुश्ताक शेख इस डिज़ाइन को कैसे बनाए हैं पहले स्टेप देखें। स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप, पहले हम ड्राइंग बना लिए, उसके बाद हम कार्बन से छाप रहे। ये एक 5 फुटिया पलंग था दोस्तों। ये जो आप पलंग देख रहे हैं, ये 5 फुटिया पलंग बांग्ला पलंग होते हैं। बांग्ला पलंग अक्सर हम लोग उनका गांव में बनते हैं। तो इस ड्राइंग को हम बना चुके थे पहले, उसके बाद इसको हम धागे लगा दे रहे कार्बन से, ठीक धागे लगा दे रहे, उसके बाद छाप देंगे पूरा। दोनों साइडें देखे, पीछे में धागे लग दिया, कंप्लीट धागे लग गया है। अभी हम मोटा काली से धागे मार रखे हैं कि मिट जाएगा कहीं, इसीलिए हम मोटा काली मार दे रहे हैं। इससे क्या है, इसे नहीं मिटेगा तो धागे ठो अगर थोड़ा सा ही होगा, मिटने का चांस नहीं रहता है। देखिए आधा हो गया है ड्राइंग, अब हम बना रहे उसका आधा। पहले आप देखे हैं कि हम ड्राइंग बनाने कार्बन दोनों तरफ बैठा है, नीचे तरफ भी ऊपर तरफ भी, कि वो एक ठो ड्राइंग बनाने से दोनों तरफ छप जाएगा। जब हम मारेंगे एक तरफ काहे पालन का आधा ड्राइंग और उसको दोनों तरफ बन जाता है। ये देखिए ज़्यादा हाइट नहीं है, ये लगभग 17 इंच की हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं है, छोटा सा पालन है। बांग्ला खाट बोलते हैं इसको, बांग्ला खाट हम उनका वेस्ट बंगाल में बहुत फेमस है ये सब खाट, और पालक बोलते हैं बांग्ला पालक, बहुत ज़्यादा होता है इधर, ज़्यादा हाइट नहीं रहता है इधर, ज़्यादा हाइट नहीं रहता। देखिए हम दागी मार दे रहे, शुरुआती अवस्था में जो डिजाइन दिखाए वही वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा उसका नमूना दिखाए तो किस तरह से होगा। देखिए हम ड्राइंग बना चुके हैं, देखिए पूरा ड्राइंग मेरा बन के तैयार है, ठीक है। ये आकाशिया लकड़ी है, स्टेप नंबर 2। हम अभी रोटर मशीन चला रहे हैं, रोटर मशीन चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चलाते हुए बैठाना है, बैठा के चलाना नहीं है। मैं बहुत सारा वीडियो में इस बात को बोला हूँ, बहुत सारा भाई है शायद दूसरा मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, तो इसलिए इसमें भी बोल दे रहा हूँ कि चला के बैठा के चलाना नहीं है। कहे उससे क्या होता है, और फेंकने का आपको मशीन फेंक देगा, हाथ उठ कट सकता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और दूसरा बात है कि रोटर मशीन चलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक ही जगह बैठा के रखना नहीं है, वो तब काला पड़ जाएगा, लकड़ी जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, ऐसे ही होगा। तो इस बात का भी ध्यान अच्छी तरह रखें कि मूवमेंट करते रहना है, मतलब हरकत करते रहना है, मतलब एक ही जगह रखना नहीं है। एक ही जगह रखना नहीं है, मतलब हरकत करते रहना है, उससे क्या है आपका लकड़ी मतलब जलेगा नहीं, एक ही जगह रखेंगे जलेगा। और फल्ली थोड़ा नया होना चाहिए, ठीक है, फल्ली नया होना चाहिए, ज़्यादा पुराना वाला फल्ली लेंगे वो बेकार है, उसी का बार बार इस्तेमाल करेंगे वो ख़राब है। थोड़ा सा जल्दी काम होना है तो नया फल्ली में कीजिएगा। स्टेप नंबर 3, मैसेज चलने के बाद हम रेकी मार रहे, देख रहे हैं आप लोन, अभी स्पीड में मारेंगे। ये स्पीड में मतलब स्लो मोशन में इसलिए दिखा है कि अब लोगों को समझ में आए जो रेकी किस तरह से मारना है ना। ये देखिए हम रेकी मारते रहे, ये देखिए आप लोन रेकी मार रहे, रेकी मारने के बाद गोलाई गोलाई करेंगे।
बुलाई करेंगे उसके बाद रेखी मारने के बाद पूरा जो जहाँ जिसको जैसा करना है वो बोला वहाँ उसे करेंगे। हाँ अभी अभी गड्ढा मार रहे हैं, गड्ढा वाला बाटली का इस्तेमाल कर रहे हैं। गड्ढा वाले देखिए हम मेरा बाटली कौन सा यूज कर रहे हैं, आप उसको नज़र रखिए कौन वाला कहाँ लगेगा वो देखिए, है ना। पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये लकड़ी जो है आकाशिया ज़्यादातर सागवान के बाद आदमी ज़्यादा खोजते हैं। सागवान, आकाशिया, गम्हा, रीजा, बहुत सारा तेतरा, नीम, बहुत सारा लकड़ी में काम होता है। ज़्यादा मेरा फेमस है सागवान लकड़ी। सागवान लकड़ी वो जो होता है सबसे अच्छा लगता है मेरे को। देखिए हम चौड़ा वाला बाटली का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा मार दे, फिर पौने इंच इस्तेमाल करें पूरा। मैं देखिए फिर जो मशीन चला है रैप, मशीन चलने से रैप रह जाता है कहीं कि वो थोड़ा टेढ़ा बका, इसीलिए बाटली से उसको सही से काटना पड़ता है। अभी इसको हम गड्ढा मारते रहे, ठीक है। अभी हम पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ राउंड बाटली इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखिए हम पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर मेरा जो गोलाई उलाई करते हैं ज़्यादातर पौने इंच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहे तो वो एक इंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा चौड़ा लता पता रहेगा तो एक इंच इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अपना पोजीशन देख के आप इस्तेमाल कीजिएगा। जहाँ जो बाटली लगेगा वो वहाँ पर वो वाला बाटली दीजिएगा। देखिए हम पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं, पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे गड्ढा बाटली। देख राउंड में मारने के लिए गड्ढा बाटली पोजीशन देख के, है ना। हर चीज़ तो बोलने से मतलब बोल के समझा नहीं पाएंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखना पड़ता है। इसीलिए आप YouTube में वीडियो देखे और हम जो बोल रहे थोड़ा सा आइडिया लीजिए, ठीक है। देखिए राउंड बाटली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये राउंड बाटली इस्तेमाल कर रहे जो मशीन चल गया था, मशीन चलने के बाद जो रैप रह जाता है तो सब जगह नहीं घुसता है ना, तो उसको साइज से काट देने से उसको लास्ट में जब दो सूता बाटली या एक सूता बाटली से ज़मीन साफ़ करेंगे तो आसानी से साफ़ हो जाता है काट देने से। देखिए किस तरह से हम पौने इंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। पौने इंच अक्सर हम ये इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा भाई एक इंची भी इस्तेमाल करते हैं, हाफ इंची इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, सीधा बाटली जो डाइनिंग चेयर रहता है ना उसमें ज़्यादा पतला पतला लता रहता है उसमें ठीक रहता है। यानी पालंग वगैरह के लिए मेरे ख्याल से पौने इंची इस्तेमाल करना सही है, पौने इंची ज़्यादातर गुलाई उलाई करने के लिए। उसके बाद राउंड बाटली तो जहाँ पर जो लगी है उसको वहाँ पर मारना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। जहाँ पर जो बाटली लगेगा राउंड बाटली वहाँ पर वो बाटली मारना पड़ेगा। देखिए मेरे हाथों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, हम पूरा कोशिश में लगे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे एक एक चीज़ को समझा पाएँ। हम इसलिए वीडियो लंबा बनाते हैं कि छोटा में से कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। पूरा शुरू से अंत तक दिखाएंगे तब जाके आप लोगों को समझ में आएगा जो पालंग बना कैसे, नहीं तो क्या है नहीं है वो मुंडी का ऊपर से जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए गड्ढा बाटली मार रहे हम, ध्यान दे हम किस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी हम गड्ढा मार रहे हैं,
गाढ़ा वाले जहाँ जो वाला लग रहा है वहाँ पर वो वाला बटली इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं चौड़ा में थोड़ा मार रहे कभी कभी जहाँ पर जो लग रहा है ना, जो दरकार है वो वाला वहाँ पर मार रहे। अभी हम पौन इंची इस्तेमाल कर रहे हैं, पौन इंची देख सकते हैं आप लोग, लगभग मेरा आधा बनने जा रहा है, आधा गुलाई बनने जा रहा है और पूरा। अभी हम फूल बना रहे हैं, कोई भी फूल बनाएंगे उसका चार भाग आठ भाग कीजिएगा। देखिए मेरा आठ भाग कैसे करेंगे आपको दिखाएंगे, एक कलम ले रहे, ये हुआ चार भाग, ये चार भाग, आठ भाग हो गया। तो आठ भाग वो एक तो साइज रहता है, मतलब कितना भाई कितना में लेना है, राउंड बटली ठो है ना, राउंड बटली ले या जो भी बटली ले उसका एक तो साइज नापी रहता है। अब एक तो भाग कर लीजिएगा, आधा ये चारों तरफ कर लीजिए, फिर चारों उसका चार भाग किए, चार भाग और चार भाग, आठ भाग कीजिएगा, कोई भी फूल बनेगा सही बनेगा। इससे क्या है राउंड सब सही रहता है। देखिए बीच में हम छिलका उठा दिए, किस तरह से कर रहे हैं, अब ध्यान दे पौनिंग ची इस्तेमाल कर रहे हैं हम, है ना, पौनिंग ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का बाटली से इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे हम लोग, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, वीडियो लंबा है लेकिन मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप लोगों के लिए करते हैं, जैसे आप लोगों को आइडिया आ जाए। आधा बन जाने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनता है डिजाइन, फिर भी पूरा आप लोगों को बना के दिखाएंगे। पौनिंग ची इस्तेमाल किए हैं, जहाँ जो बटली लग रहा है उसको वहाँ पर इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान दें आप। देखिए गाढ़ा मार रहे हैं, गाढ़ा मुँह में गाढ़ा मार दिए, थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ छोटा छोटा करके गाढ़ा मार दिया, फिर पौनिंग ची इस्तेमाल कर रहे हैं। पौनिंग ची, पौनिंग ची एक इंच से थोड़ा छोटा रहता है, हर चीज़ छोटा छोटा बात को समझा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि पूरा से पूरा समझाने की पूरा तरह कोशिश करें, कोई चीज़ छूटे ना, है ना, शुरू से लेकर अंत तक समझाने की कोशिश करेंगे डिजाइन किस तरह से किया जाता है। हाँ देखिए पौनिंग ची इस्तेमाल कर रहे, जो रैप रह जाता है उसको हम काट देंगे, जो भी थोड़ा मशीन चलने से टेढ़ा वगैरह रहता है उसको साइज करके काट देना है, तब सही रहेगा, नहीं तो बेकार लगेगा। पौने इंच इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मतलब उधर जैसे इस्तेमाल किए हैं उसी तरह इधर भी इस्तेमाल करना, वही वही बाटली वही सब सारे सब वही वही टेक्निक का इस्तेमाल करना है, है ना। ये डिजाइन ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, लेकिन जो नया नया सीख रहा है उनके लिए अच्छा है ये डिजाइन, जो नया सीख रहा है उसके लिए डिजाइन नॉलेजफुल वीडियो है ये वाला, जो नया सीख रहे हैं मेरे भाई जो जितना सारा यूट्यूब में मुझे फॉलो करते हैं, जो उसके लिए नया नया के लिए बहुत अच्छा है, डिजाइन कोई ख़राब नहीं है। इसका गहराई हम किए हैं 250 गहराई है, इसका हाइट है 17 इंची, ये 5 फीट पालंग है, 5 फीट पालंग और 17 इंची हाइट, और इसका गहराई है 2 सूता, 2 सूता बोलने से
200 वाट जो साइज रहता है, तो 200-250 लगभग। आप जितना गहराई करेंगे उतना सुंदर लगेगा, लेकिन जितना गहराई करेंगे उतना समय भी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान दें। अब हर चीज़ को एक ठो बैलेंस के साथ चलना पड़ता है, हर चीज़ में एक ठो बैलेंस रहता है, उसका हिसाब से चलना पड़ता है। अपना मर्जी से कुछ एक ठो अपना मर्जी से कुछ भी दे देंगे, शॉर्टकट मार देंगे, नहीं होगा। ज़्यादा शॉर्टकट मारेंगे तो पार्टी पसंद नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। और दूसरा बात है, ज़्यादा हैवी डिजाइन देंगे तो अपना भी फ़ायदा नहीं होगा। उस चीज़ को बैलेंस करके लेके चलना है। इस चीज़ को बैलेंस करने के मतलब करने से ही आपको सब ही होगा, है ना। पूरा हम शुरू से लास्ट तक दिखाएंगे किस तरह से काम किया जाता है। आप लोगों को, है ना, हम काट दे रहे जो गलत है, जहाँ थोड़ा सा टेढ़ा भागा है वो वाला चीज़ को हम काट दे रहे हैं। देखिए यहाँ गड्ढा मार दे थोड़ा सा, देखिए पूरा गड्ढा मार दे रही हूँ पूरा। गड्ढा वड्ढा ली जो भी क्रैप लगता है उसको काट के निकल देते हैं हम। देखिए लगभग होने वाला है, अब ज़मीन फिनिशिंग का हम वीडियो नहीं बनाए, क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और वो चीज़ आप जानते भी हैं, कभी बनाएंगे। स्टेप नंबर 4 यानी 4 नंबर स्टेप है, क्या करना है, रेकी मारना है। रेकी 150 रेकी रहता है वो वाला जो हम चला रहे, 150 रेकी है जो देखें, 150 रेकी है। देखिए इस तरह से आपको स्लो मोशन दिखा रहे, इस तरह फिर स्पीड कर दिए हैं, कहे कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से बना रहे हम, देखिए मार दे रहे हैं अंदर तरफ, बर्फी बर्फी दाना दाना बना दे रहे हैं। साइड में एक तो राउंड दिए और एक ऐसे करेंगे और खूबसूरती आ जाएगा ऐसे करने से। ये देखिए रेकी मार दे रहे, रेकी खूबसूरती लगने के लिए, ज़्यादा जितना आप रेकी मारेंगे ना उतना खूबसूरती बढ़ जाएगा, है ना। जितना रेकी मारेंगे उतना खूबसूरती बढ़ेगा। कभी कभी सोचता हूँ कि ड्राइंग का भी वीडियो बनाऊँ, खाली पालन का बनाते हुए दिखा रहे हैं उसमें जो नया नया सीख रहे हैं उनको भी ड्राइंग समझाना चाहिए, लेकिन टाइम ही नहीं हो रहा है जो ड्राइंग बना के हम उनको दिखाएंगे। कभी फुर्सत मिला था एक दो तो वीडियो बना देंगे ड्राइंग बना के दिखाने की, मतलब कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है जो नया नया सीख रहे उसको ड्राइंग बनाने आएगा, ठीक है। देखिए रेकी मेरे हाथों की तरफ ध्यान दे, रेकी किस तरह से मार रहे, है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जैसे हमको, और कुछ गलती हुआ वो भी कमेंट कीजिएगा, जो कहाँ मिस्टेक हुआ मेरा, उससे हमको आइडिया मिलता है कि हम वाकई में सही बना रहे या गलत बना रहे, है ना। फाइनली ये ख़त्म होने वाला है, आधा हम रेकी मार चुके हैं। ये
है कि किस तरह से खूबसूरती लग रहा है क्यों आने के बाद, मेरे को तो ठीक लग रहा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कैसे मार रहे हैं कीटो, देखिए खत्म होने जा रहा है मारना। किस तरह से मार रहे, देख रहे, फाइनली ख़त्म होने जा रहा है। थोड़ा सा बाकी रह गया है पूरा, आप चाहे तो आप एक ठो पालंग में इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। मेरे देख रेख के मैंने शुरू से अंत तक बनाया के दिखाया, खाली ज़मीन साफ़ करने वाला वीडियो नहीं बनाए, दो सुता तीन सुता से जो ज़मीन में कोना कोना साफ करने वाला उसका वीडियो नहीं बनाए। तो फाइनली ये इस चीज़ को हमने बना चुका, तो टूल्स लेना है तो दिए गए नंबर में कॉल करें। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। कैसा लगा डिजाइन, अच्छा है ना, आप लोग बताइए कमेंट में। मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब में, आप लोग दुआ कीजिए जैसे बहुत मैं आगे तक जाऊँ। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।